अमानत चंद का रंग है, ठीक है, कोडू का कद है, और आगा माजिद का मोटापा है, और आसिफ इकबाल की नाक है आप में। तो इसका मतलब है कि मैं अपना नाम नवाज अंजम छोड़ के मिक्स फूड रख लूं। तरीका बताएं क्या आपकी तरह का ना मुंह काला कैसे किया जा सकता है? कोई ऐसा काम करें लोग खुद मुंह काला करके तुम्हें गलियों में फिराएंगे और गधे पे भी। गधे पे, गधे का। हाँ। हो सकता है कवि साहब की जो वीडियो लीक हुई हो वो आप ही हो, आपने गेटअप करके वो वीडियो बनाई है। चपेड़ मार के ऐसा लीक करांगा ना तो तुम लग पते जानगे। बंद करो इंटरव्यू, मजाक बना लिया तुमने, इतना ही होता है बस इंटरव्यू यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो ऑन MYK न्यूज़ TV। आज जो मेरे साथ चीज़ मौजूद हैं उन वो ना है पाकिस्तान के अजूबों में से एक है, इनका नाम है नवाज अंजम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चीज़ कहाँ है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे? नहीं नहीं, चीज़ आप एक चीज़ है ना इंसान नुमा। भाई चीज़ होती है खाने वाली, लेकिन आप मुझे तारुफ ही आप अजीब करा रहे हैं यार। आप बताएं कि आर्टिस्ट है और मेरे कहने पर ये आए, आपकी वही हरकतें, मैंने तो कहा आप ठीक हो गए होंगे। आसिम भाई मैं तो नहीं नहीं मैं आती है ना आप ना ये चीज़ और ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं होगा अच्छा, चले मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ यार ये कट करवा के ना दोबारा चला। ठीक है मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम वो वाला शो में। वो वाला तो हम पहले नहीं कर चुके थे, तो वो वाला शो कौन सा है? नहीं नहीं ये शो का नाम है वो वाला शो। यार वो हमने उधर किया था शो, ये वो वाले शो की हम बात कर ही नहीं रहे। जो ये शो में आपने जिस वजह से मुझे बुलवाया है उसकी बात करो ना। वो वाला नहीं, ये वाला जो शो है उसका नाम वो वाला शो है। यार वो वाला शो खत्म हो गया मेरे भाई। आप यार जिसमें हाजिर है ना आप हाजिर नहीं है मुझे लग रहा है। आपको मुझे लगता है अफगानिस्तान ही भेजना पड़ेगा, आपका दिमाग वही ठीक कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खराब जहाज ठीक कर लिए हैं और वो आप ही को ठीक कर सकते हैं। नहीं 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 मैंने नहीं जाना होता। प्लीज़ जी फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। गलत फहमी अभी भी नहीं दूर हुई कि आपके भी कोई चाहने यार वाले। फैमिली गलत आपकी होगी, मेरी कोई गलत फैमिली नहीं है। आप हमेशा से सवाल ही को गलत करते हो, आपको कौन गाइड करता है पीछे? गलत फैमिली नहीं, गलत फहमी। अच्छा फैमिली छोटे बेटे का नाम है आपका? यस यस छोटे छोटे। अच्छा अभी ये क्या है छोटे छोटे? यार मुझे आपने बुलाया करा छोटे छोटे, मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं बता दूंगा आपको नहीं छोड़े, बात छोड़े, बात छोड़े। तो ये कहना, हाँ जी प्रोग्राम का नाम है बात छोड़े। वाह अच्छा ए, क्या कहते हैं कभी आपको किसी ने एहसास दिलाया कि आप 4-5 कॉमेडियंस का ना मिक्सचर हैं? जैसे कि ना अमानत चंद का रंग है, ठीक है, कोडू का कद है, और आगा माजिद का मोटापा है, और आसिफ इकबाल की नाक है आप। इसका मतलब है कि मैं अपना नाम नवाज अंजम छोड़ के मिक्स फूड रख लूं? यस सर। उनकी एक अपनी क्वालिटी है जावेद कोडू साहब की, मेरी ईगो के अब मुझे ये चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं सी। ब्याह होना सी ओ हो गया, ओ तुसी ए हुण जो फॉल्ट कढ़न डे हो ए रिश्ता देन तो पहले सोचना सी तुसी। आपको इन सब चीज़ों में से मुझे बताया सबसे ज़्यादा झुकते कौन से पड़ते, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको किस बात पर आता है? आपको नहीं नहीं जब आप जितना डैम आप ले रहे हैं तो उतना टाइम फिर भी अगर मैं लूँगा तो ये प्रोग्राम तो जो आप 30 मिनट का बनाना चाह रहे हैं या 45 मिनट का बनाना चाह रहे हैं ये तो 2-3 दिन में ख़त्म होगा। ये आपको तेल पूरा नहीं हुआ हुआ क्या, वो मसला हुआ हुआ है, ये हकला कैसे क्यों नहीं रहे आप? नहीं तो आप क्यों अकलाते हैं? आपके वालिद साहब ने आपकी किस्तें पूरी नहीं दी थी क्या हुआ? मैंने यही नोट किया है कि ना आप जो है ना वो एक हकलाने वाले बंदे से ज़्यादा अच्छा हकलाते हैं, कैसे कर लेते हैं? देखो मेरी हाँ सुने, ये एक काम है, एक्टर का काम यही होता है। क्या है? क्या हकलाना? हकलाना नवाज अंजम साहब ने कहा एक एक्टर का नाम हकलाना होता है। नाम नाम नहीं भाई, काम काम सॉरी काम 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 दिन रात करें हम काम। मैंने सुना है, मुझे बताएं कि वजह क्या है, मरासियों को इतनी ठंड क्यों लगती, क्या वजह? देखिए ये घबराए हुए लोग होते हैं, इन्होंने क्योंकि कभी AC में इतना रहे नहीं, पक्के में रहते हैं। कई मैंने मुर्दे भी ऐसे देखे हैं खान साहब जी, जब इनके गिर्द वो बर्फ़ लगाई और पक्के लगाए ये फिर भी उठ के बैठ गए, ये रहते बंद करो ठंड बहुत लगन रही है। उसी तरह ये खान साहब को जन्नत में जगह मिली, वहाँ वो हूरों ने पक्का उसको किया तो वहाँ भी वो फौत हो गए। तो ये तो इनके घर में कोई मेहमान भी आ जाए सर्दी में तो ये कहते हैं
कि भाई कुंडी ठंडी है, आप दीवार फलांग के आ जाए। ये भी नहीं, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इनके बारे में। आप गजनी हो, कौन है? वही मैंने नोट किया, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं समझा यार तू बहुत ठीक हो गए होगे, लेकिन और ज्यादा खराब हो गए है ना, हो गए ना, जब भी शक हुआ। आप जैसा बंदा मैंने देखा था, गटर में गिरा है तो एक आदमी निकालने लगा, कहता ना 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 मुझे ना निकालें, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। गटर था, अल्लाह अकबर, अल्लाह घबरा तो नहीं रहा था वो। नहीं, ये आपने जब आपकी शादी हुई होगी, कबूल भी आपने 3 दिन में किया होगा। मैंने फोन में ना रिकॉर्डिंग रखी थी, वो लगा लेते। अच्छा, हाँ। वो किसी और ने तो कबूल नहीं कह दिया आपकी जगह? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ऐसे। अच्छा, आपकी कोई शक्ल ना देख के इसलिए आपने ना रेडियो शो पे ना काम शुरू किया, तो अभी भी आप रेडियो शो पे कर रहे हैं या आप छोड़ दिया? अरे जी, रेडियो का एक ये फ़ायदा है कि आप, मैं बता सकता हूँ कि मेरा कलर बड़ा ज़बरदस्त है, मेरा कोई उड़ा हुआ रंग नहीं है, मैं बड़ा गोरा चिट्टा हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। हाँ, वो ना अच्छी बात है ना, आपकी शक्ल ना कोई ना देखेगा, देखे ये वो बड़ा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, उसी में मैं अर्तुगरुल गाजी भी बन जाता हूँ। हाँ। खुदा ये सुनिए मेरी बात, ये चीज़ है, ये बादशाह भी बन जाता हूँ। उन्हें पता कि पता नहीं इसकी हाइट कितनी है, कद कितना है। हाँ। जी, तो मुझे पता मैं क्या करूँ, मुझे ना आपके इंटरव्यू में आपकी शक्ल देखनी पड़े। आप मुंह उस तरफ करके है ना, फिर इंटरव्यू कर ले, तो लगेगा हम किसी बस में बैठे हुए VIP में। अच्छा अच्छा, यानी मैं मुंह उस तरफ कर ले ड्राइवर वाली साइड, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, वो बैक जो है वो बैक आपसे सवाल कर रही है। चलो यार ठीक है, जैसे अच्छा लगे, फिर मैं मुंह उस तरफ कर लेता हूँ। एक चीज मुझे बताएं, कोई तरीका बताएं कि आपकी तरह का ना मुंह काला कैसे किया जाए। कोई ऐसा काम करें लोग खुद मुंह काला करके तुम्हें गलियों में फिराएंगे और गधे पे भी। गधे का, हाँ हाँ, आपको कैसे पता लगा मैं कह रहा हूँ? एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं वो चोरी के केस में पकड़ा गया, तो मुझे गधे पे बिठा लिया, मेरा मुंह भी काला कर दिया, तो मेरी बेगम रो रही थी गली के पास ना। मैंने कहा रो ना, बस एक गली और रह गई, बस मैं ठीक है। फिर आप एक गली और घूम के फिर आ गया रूटीन। अच्छा, मैं ये समझा शायद बारिश के लिए मेरा मुंह काला किया गया। पहले बचपन में होता था ना, कालियाँ इट्टा काले रोड में बरसा देखो जोर, तो वो मुझे बाद में पता चला, नहीं नहीं ये तो चोरी के केस में मैं ना। अच्छा, मुझे पता, कभी आपको वेस्ट इंडीज से ऑफर हुई है उनकी फिल्मों में काम करने के? उन्होंने कहा आए आपको हीरो बनाते हैं? उनके कद इतने बड़े हैं, आपने देखा क्रिस गेल, जोएल गार्नर, उनके हाइटें देखी उनके, तो मुझे तो लगेगा मैंने आप वो चुक लें। चले बच्चों का रोल कर लें उनके, इस उम्र में मैं बच्चा लगता हूँ मुझे। कद ऐसे ही है ना, वेस्ट इंडीज वाले बच्चे लगते। चलो जी, ऑफर हुई तो जनाब मैं ज़रूर जाऊँगा। यस 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 यस, तो मुझे बताएं आपका जैसे कद भी इतना नहीं है, छोटा सा ही है, तो आपको अभी भी यार कद तो वावड़ा दे बल्फ लुहाने ने मेरे को की करना है, ये तो दस चोरी करवानी है मेरे को या चपेड़ा खानिया ने। आपको ऐसा तो नहीं लगता जैसे आपकी एज और बढ़ेगी आपका कद भी बढ़ेगा? मेरा ख्याल है अब और कद नहीं बढ़ सकता, क्या ख्याल है? नहीं, अब बढ़ ही नहीं सकता, वो जो हिस्स है ना बढ़ने वाली वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे पे असल में घर का लेंटर गिर गया था, तो इसलिए मेरा कद वही रह गया। जैसे मैंने सुने इस एज में ना कुंडी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बाटी। भाई जो हालात चल रहे हैं, दिन में भी कुंडी लगानी पड़ती है। आपको पता है कि चोर वगैरह या कोई जानवर वगैरह, आप जैसे यूं फिर रहे होते ना, दरवाजा खुला हो तो घुस आते हैं। हाँ हाँ, यस यस, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, यूं हंस के बल गुजार देता है। वाह, अगर आप औरत होते तो आप शरीफ औरत होते या फिर दो नंबर औरत होते? तेरा क्या मतलब है कि मैं दुपट्टा पहन के गली में फिरती या मांगता? नहीं कि क्या, अगर मेरे मियाँ अच्छे होते तो फिर तो बहुत अच्छा था, मियाँ अच्छा ना होता तो फिर मुझे हो सकता है तेरे वाला काम करना पड़ता, चौंकों में खड़ा होना पड़ता। अरे बाऊ दे जा रब का वास्ता ही, वे अल्लाह का ना ही दे जावे तेनू रब। वो कोई बंदा बीवी के साथ भी जा रहा हो तो बंदा कहना तेरी भैन की जोड़ी सलामत रखे, वे अल्लाह। बंदा सिस्टर नाल जा रहे हो तो बंदा वे तेरा तेरी बीवी सलामत रहे, वे जूंदा रहो मजदा रहो, वे अल्लाह तेरी हयाती करे, फिर इस तरह मांगना पड़ता। हो सकता है, हो सकता है, ऐसे हो जाता, करना पड़ता। यस 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 यस, कुछ पिक्चर्स भी हैं आपकी ऐसे ना, तो हाँ हाँ मैं आपको ना दिखाना चाहता हूँ। कौन सी पिक्चर्स दिखा रहे हो? हाँ हाँ, वो ये तस्वीरें मुझे लगता है वो सारी ना उड़ गई हैं। ओए कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है।
तो ना गेटअप्स किए हैं कुछ, ठीक है आप ना ये देख गेटअप तो नहीं कह सकते, मैंने वही नोट किया है कि आपको ना औरत बनने का कुछ ज़्यादा शौक है आपके अंदर, तो अंदर ऐसी औरत है, ठीक है। वे तेरा कख ना रवे ना मुरादा, वे मैं तेन कुछ शह चुके योजी मारनी ना, मैं तेन बल्कि कुत्ते पूछ फड़ के ना तेन कंध नाल मारना, मैं तेन फिर तेन लग पते जाएंगे तो फिर तेन पता लगेगा कि मैं चीज़ की हाँ, समझे ना तू। यार मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि ये एक्टिंग की वजह से लोग करवाना चाहते हैं ये इतनी ज़्यादा। ये देखिए ये औरत, ठीक है ये भी औरत बने हुए हैं आप, ये भी औरत बने हुए हैं, ये देखिए ये तो आप वो लग रही है, मैं कहना नहीं चाह रहा वो जी वही जो आप बताना चाह रहे थे कि आप जी वही ये देखिए कितनी प्यारी लिपस्टिक लगाई, ये मेरा ध्यान लिपस्टिक पे है। मुझे बताएं आप खुद उन्हें क्या कर औरत बनते, ये देखे ना ये देखे, अगर आप औरत होते तो आप ऐसे लग सुने, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पहले औरत थे ठीक है फिर आप मर्द बने ऑपरेशन के बाद। यस बस ऐसा हुआ था कि बस मेरे पे जिम्मेदारी बड़ी, मैंने कहा अगर औरत बन गया तो शायद मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा, फिर मैंने ऑपरेट करा लिया। बहुत अच्छा किया बहुत। तो आप औरत क्या नाम था आपका पहले? हाँ। मेरा नाम शमीम था। आप वैसे जैसी थी आपसे तो कोई शादी भी नहीं करता होगा? कर लेने देने इतने तो बकरी तो दुपट्टा पा दे आले दुआले फिरते रहते हैं लोग। तो आप पैसे अच्छे नहीं कमा रहे थे उस वक्त जी, जब आप औरत हैं? हाँ हाँ हो सकता है पता नहीं कौन सवाल लेके दे। अच्छा चलें ये देखा आपने ना कैटअप भी बड़े बड़े अजीबोगरीब ये या गोरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, फेस पे ना चूना मल के आप ये सुल्तान रही लग रहे हैं जी। मेहरबानी जी मेहरबानी। अच्छा ये देखिए मैंने एक नोट चीज़ नोट किया, हर तस्वीर में ना आपकी नाक ऐसी की ऐसी पिचकी हुई है, तो आप ये नाक ही नहीं चेंज करा लेते भाई? अब तो सी पैक जब से बना हमें ऐसी सबको करवानी पड़ेगी, अब तो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ऐसे हो गए हम सबको फीना बनना पड़ेगा। सही कह रहे हैं ये देखिए आप मौलाना ये कौन है? ये कवि साहब। कवि साहब अच्छा ये आपने ये गेटअप करके वीडियो नहीं को बना, हो सकता है कवि साहब की जो वीडियो लीक हुई हो वो आप ही हो, आपने गेटअप करके वो वीडियो बनाई हो। चपेड़ मार के ऐसा लीक करांगा ना तो तुम लग पता नहीं। नहीं मुझे शक पड़ रहा है। और नहीं भाई एक रोल किया था वो मौलवी कवि नहीं था मुल्तान का ये उसका था। अच्छा अच्छा मुझे हाँ वही मुल्तान का वही बंदा ठीक है, उसकी वीडियो जो लीक हुई थी आपने देखी थी वीडियो? नहीं मैंने नहीं देखी वो लीक हुई नहीं देखी। अच्छा वो वीडियो मुझे ना वो जो यकीन है वो आप ही हैं, तो मुझे बताएं मुझे आप कोई कुछ दिखा सकते हैं जिससे मुझे यकीन हो कि वो आप नहीं हैं? ज़रा तमाम दोस्त ये लाइट और कैमरे बंद करें, ज़रा मैं इसको बताऊं कि वो हुआ क्या था। नहीं वो लाइट थी उनके ना पेट से मुझे पता चल जाएगा वो आप हैं कि नहीं, तो आप अपना पेट दिखा सकते हैं? मैं पेट की खातिर काम कर रहा हूँ और मुझे काम करने दो, पेट देख लिया तो फिर लोग ना नहीं बैठेंगे सामने। मुफ्ती कवि साहब ने कहा था ये किसी ने मेरा गेटअप मेरा होलिया बना कर ना ये वीडियो लीक की। अच्छा उन्होंने ये कहा था? यस उन्होंने कहा था। फिर आगे निकाल फटाफट ये सबूत है ना? ओ यार निकाल आगे छोड़ दो यार। चल चल ठीक है ये आप सही अपने होलिये में आए हुए हैं, असल में जो है असल में मेरे पास कटिंग के पैसे नहीं थे तो फिर मैं ना फिर ऐसा बना। कुछ लोग कहते हैं आप पहले जिन थे, जिस दिन को जिन आ गया ना तेने चुक चुक के कंधा च मारेगा मैं तेन दस। ये मेरा एक नया सीरियल शुरू हो रहा है, ये मोबाइल जिन मेरा एक नया सीरियल आ रहा है बच्चों के लिए। अच्छा मोबाइल जिन, बच्चे मोबाइल पे मुझे बुला लिया करेंगे। अच्छा यो मोबाइल रगड़ेंगे नहीं हो भाई, बटन दबाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा आजकल रगड़ने से नहीं जिन आता? नहीं रगड़ने से नहीं आता भाई। अच्छा वैसे ही आ जाता? वैसे ही आ जाता जी। ये आप और ज्यादा काले कैसे हो सकते हैं? ये तो बंदा काला। अच्छा ये मेकअप नहीं किया हुआ था? ये मेकअप नहीं किया था मैंने। अच्छा अभी किया नहीं था एक हफ्ते से। नहीं ठीक किया है ये, असल मेरा रंग ये है। अच्छा एक हफ्ते से ना आए तब ये हालत होती है? जी तो फिर दो हफ्ते हो जाए तो फिर क्या बनता है आपको? बिल्कुल ही पता नहीं लगता कि ब्लैक रंग कौन सा है और ये बंदा कौन सा है। आए ठीक है नहीं ये देखे किसी भी ठीक है आप इंसान क्यों नहीं लग रहे किसी भी तस्वीर में जी?
किसी भी तस्वीर में इंसान क्यों नहीं लग रहा है? बस जी कोशिश कर रहा हूँ इंसान बनने की। आपने इंसान बन के क्या कर लिया है? ही नहीं है ही नहीं, आप इंसान ही नहीं। नहीं छोड़ दे छोड़। अच्छा, मैं इंसान हूँ ही नहीं। अच्छा तो आपके ना कुछ ठरकपन की तस्वीरें आपको ना लड़कपन की होती है भाई। आपको ना ख्वातीन के साथ सेल्फी खींचने का बड़ा शौक है ना, बहुत शौक है, तो वो ना आपके ना ठरकपन के कुछ ना एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं, ठीक है? ये वे आप ठरकी लग रही है, देखें ये आपके ठरकपन की इंतहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो हंस रहा हूँ, वो कुछ कर रही है जो वो कर रही है वो आप, और आप करने दे रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर रंग, मैं कहता हूँ खुश नसीब हूँ कि वो मुझे पसंद कर रही है, मुझे वो मीठा दे रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलें, मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मुझे मीठा दे रही है। ये क्या हरकतें कर रहे हैं, ये कौन है? ये जी ये पता नहीं जी कौन है, मैं जानता नहीं, ये कोई फिल्मी एक्टर है, ये फिल्म सराय की फिल्मों का हीरो है। नहीं नहीं बंदे की बात नहीं, बंदी की बात करो। ये दुआ को बंदा तो, ये दुआ दे रही है बंदा तो, कि आप शुक्र है कि ठरकी लग रहा है, बंदी अच्छे खानदान की लग रही है। हाँ जी अच्छे खानदान की है तो यूँ कर रही है ना। हाँ तो फिर ये क्या हो क्या रहा है ये सर? फिल्म का गाना हो रहा है। नहीं नहीं ये ना लीक होगी, ठीक है? आपके जो है ना अफेयर तस्वीर लीक हो, मेरी लीक नहीं है, को टैंकी है यार। अच्छा ये आप नहीं है? मैं ही हूँ। तो ये आपकी लीक हुई ना? चले चले तोहफा करें जो भी, ये भी आपकी लीक हुई थी, ठीक है? ये पिक्चर आपकी तीसरी शादी की। मेरी पहली पता नहीं किस तरह चल रही है, तो कह रहा तीसरी शादी। मेरी आपकी वाइफ नहीं है? ये मोहल्लेदार है मेरी। अच्छा वैसे मतलब, अच्छा अच्छा ये आप इनसे पैसे लेने गए थे? हैं जी हैं जी। नहीं ऊपर खड़े होके मैं लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ कि भाई इधर देखो। अच्छा, मुझे देखो। ये आप हनीमून पे किधर गए हैं? ये कौन सी जगह? ये हनीमून में हम जनाब यहाँ गए थे चीचू की मलिया। अच्छा, मुझे लग रहा था स्विट्जरलैंड है मुझे लग रहा है। इतनी देर हो, 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 हो। अच्छा नहीं है स्विट्जरलैंड। अच्छा ये कौन है? ये कौन है पता नहीं कौन है, जिस तरह ये तस्वीर खिंचवाई हुई कौन है? मुझे नहीं पता कौन है भाई, मैं एक्टरों को कोई भी कह देते फोटो बना लो छपियां लेकर तस्वीर खींची हुई यार, हो जाता है नहीं याद रहता कि कौन है। चले ये कौन है? ये हनी शहजादी है। इनके साथ भी आपका चक्कर? नहीं चक्कर नहीं था, ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और हमारे जनाब स्टेज के एक नाम है कि। अच्छा मुझे लगा शायद ये भी आपकी वाइफ है। ऐसा नहीं है, स्टेज पे ड्रामों में होगी हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं। अब ये कौन है? ये बच्ची मुझसे तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है कि मुझे कासिम से बचाओ। ये रात को कासिम मार के डराता है मुझे। बता कितनों के साथ हमने ठरकपन झाड़ा हुआ? ठरकपन तो नहीं होता। अच्छा ये है, नहीं। ये काम है हमारा। अच्छा ये काम है, किसको आप काम कहते हैं? जी हाँ जिसे आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, जो भी है। अच्छा ये ना कुछ गोरिल्लाज़ की तस्वीरें हैं, ठीक है? आपने बताना है कि ये सोच क्या रहे हैं, ठीक है? अब मुझे बताएं ये इस टाइम क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि कल कासिम मुझे बुलाएगा और मैं उसको उसका फेस कैसे करूंगा। बुला लिया हाँ। नहीं नहीं हाँ ठीक है, वही वही वही। अच्छा ये क्या सोच रहा है इस टाइम? ये सोच रहा है कि कासिम के शो पे अगर गया तो मुझे बोलना वैसा ही पड़ेगा जैसे वो बोलता है, या मैं अपनी तरफ से बोलूं? नहीं नहीं जैसे आप बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, ऐसा मसला नहीं। अच्छा ये भी मैं ही हूँ। ठीक है ठीक है, ये क्या सोच रहे हैं? ये बंदा सोच रहा था तो ज़रा मुझे बाहर मिलना, मैं फिर खबर लूँगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये क्या सोच रहे हैं? वो कहता था कि अल्लाह ने तुझे भी उम्मीद से कर देना है। नोट किया है आपने कुछ? जी सेम है ना। हाँ कुछ है सिमिलर है। ये क्या सोच रहे हैं? ओ ये सोच रहा है कि आज के बाद मैं कासिम के वो वाले शो में जाऊंगा, इसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, 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 ये दोनों क्या सोच रहे हैं? ये आप और मैं हैं, है ना? हाँ ये ठीक है ना, ये प्यार है, है ना, बहुत प्यार है। हाँ ठीक है, ये इस टाइम क्या सोच रहे हैं? ये टेंशन में है, है ना, साथ में सिगरेट भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, टेंशन में। यस यस, ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा है कि अच्छा कासिम जो मर्जी कर ले अल्लाह ते वे करेगा। ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि आज मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, या तो तेरे दिमाग में ईंट मार के जाऊंगा या तेरा कोई काम करके जाऊंगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये क्या सोच रहा है?
ये कहता हूँ कि यार छोड़ दे, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हो सकता। चलें, मैंने वही नोट किया आपको तो ये गोरिल्लास की थिंकिंग का पता है। जी, आप इनके साथ रहेंगे या फिर ये रात आपके मुझे साथ उठा लिया था बचपन में ना इन्होंने, इनका हमारा बच्चा हमें दे दिया। ठीक है, अभी भी जू वाले कहते हैं आपको क्या उन्होंने? एक दफा मैं जू में गया था तो मैंने वो कहेंगे आप क्या लेने आए, मैंने कहा मैंने रीच को देखने आया हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ खड़े हो, रीच कह रहा है मैं उसको देखने आ रहा हूँ। अभी भी खाली है उनके पास पड़ा, तो आप क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? आपने छोड़ दिया वो पिंजरा? यस, तो फिर मैं चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आप जाएं। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई जानवर ठीक है मोटा और छोटा हो तो दूसरे जानवर उसे झुकते मारते हैं क्या? नहीं, ये जहर सी बात है, जैसे हम इंसान एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं वो जानवर भी उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिसका कद छोटा उसका दिमाग भी छोटा रह जाता है। बात ठीक नहीं, छोटे लोगों के दिमाग बड़े होते हैं। कई लोग आपके आप बड़े हो गए, आप मेंटल हो गए हैं, देखे ना? हो सकता। अरे मुझे हो नहीं सकता, हो गए हैं, हो गए। अरे कभी किसी ने कहा है कि आपकी ना शक्ल वो छोटे पैकेट वाले सोन हलवे से बहुत मिलती है? भाई मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान की तो जुबान ही और आवाज़ ऐसी है कि बंदा, वो इतने मीठे लोग हैं मुल्तान के कि बात भी ना करें तो कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। ओ यस यस यस, तो आप क्यों नहीं मुल्तान वापस चले जाते? अल्लाह अल्लाह करके लाहौर शिफ्ट होया, 32 से 35 साल हो गए गालिबन, तो फिर हूँ वापस चला जाऊँ। नहीं, वो लोग वेट कर रहे होंगे ना आपका? नहीं, वो चले गए दुनिया से, लोग जो वेट कर रहे थे, 35 साल हो गए मुल्तान में। पागलखाना बंद हो गया? हाँ वो बंद हो गया। ओके, उन्होंने कहा जी वहाँ कासिम ने कब्जा कर लिया। ठीक है ठीक, चलें। एक ना पागल से मुझे याद आया, एक ना मेंटल हेल्थ सेगमेंट है, ठीक है, मैं पागलों का डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, और मैं आपका ना कुछ सवाल ऐसे करें जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप नॉर्मल हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। जी जनाब, मैं हूँ डॉक्टर शेख कासिम, और ना आप सही है ना? ठीक है, चले। अच्छा मुझे बता, आपका दिल करता है कि दरख्तों पे चढ़ने को? मेरा दरख्तों पे बड़ा दिल करता है, मैं उस पे झूले डालूं वो और दरख्त पे बैठ के ना उसके ऊपर करूं और रेस दूं दरख्त को, और दरख्त एक दरख्त दूसरे दरख्त से ठा करके टकरा जाए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मुझे बता, आपका दिल करता है कि आप चांद पे जाएं? चांद का भी दिल करता है मुझसे मिलने को, वो फिर मैं भी उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन टिकट बहुत महंगी है, फिर मैं ना खुद ही अपने आप को चंदा मामू कहता हूँ। दिल करता है कि आप जमीन खोद कर जमीन के अंदर घुस जाएं? मैं इंसानों को ड्रिल मशीन तो नहीं हूँ जमीन के अंदर घुस जाऊं। अच्छा अच्छा ठीक। आपका दिल करता है कि जब बारिश हो तो आप बाहर निकलें? तो तुम भी तो बाहर निकलते हो बरसाती मेंढक। आज पता लगे कोई टैलेंटेड कॉमेडियन को बुलाया, कोई बुरा सा जोक सुना है? बुरा सा? इससे बुरा जोक क्या होगा कि मैं कासिम के शो में आया हुआ हूँ और उसको सामने रूबरू उसके बैठा हुआ हूँ, इससे बुरा वक्त मुझ पर क्या आएगा? हाँ मुझे पता था, और मैं बात अगर कोई जुगत कर देता तुमने नहीं हंसना। नहीं नहीं, आइए हंसी मुझे, आइए। अरे ये जो आपकी ठीक है नाक है, ठीक है, जितनी वो अंदर है और जितनी वो मैंने नोट किया, तो आपको सूंघने में मुश्किल नहीं होती? अच्छा मुझे बताया आपकी सूंघने की ताकत कैसी है? आप कोई कपड़ा या जराब सूंघ के बंदे को ढूंढ सकते हैं? जराब सूंघ के किसी की तो बेहोश होने वाली बात है। अच्छा नहीं, आप कर सकते हैं? वैसे कोई नहीं, मैल नहीं आ सकते आपको दूर से? और नहीं, दूर से वैसे आ जाती है लेकिन वैसे वो नहीं। हाँ अरे मैंने सुना है कि ना बंदर जो है ठीक है बनमानस 100 साल का हो जाए वो इंसानी रूप में आ जाते हैं, बात ठीक है? हाँ आप बैठा तो है मेरे सामने। अच्छा आपको ना पाकिस्तानी जॉनी लेवर भी कुछ लोग कहते हैं, तो जॉनी लेवर को कितना बुरा लगता होगा ये बात? ये उससे भी किसी ने पूछा है, उसने कहा जी मुझे भी बहुत बुरा लगता है ना। वो फिर उसने क्या किया? उसने कहा कि जी वो थे ठीक है, वो अपने शहर खुश रहे, मैं अपने शहर खुश हूँ।
ये भी है। अच्छा, आपको ना तकरीबन 60 साल हो गए हैं कॉमेडी टाइप चीज़ें करते हुए, तो ना आपने तो पैसा, मैं 100 साल का हूँ भाई, 60 साल उम्र है, 40 साल हो गए काम करते। चले ठीक है, 40 साल हो गए, ठीक है, आपने पैसा इतना कमा लिया होगा, तो आप अच्छे से डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करा लेते? पर जो भी मिला, दो नंबर डॉक्टर मिला है, क्योंकि जैसे पैसे कमाए उसी तरह लग गए। ठीक है, बंदे के पास नहीं गए जी? हाँ जी, हाँ नहीं नहीं अच्छा किया। अच्छा, एक छोटा सा सेगमेंट है लोग कहते हैं, आपने ना बताना है कि लोग ठीक कहते हैं या वे भी अफवाहें उड़ी हुई हैं। ठीक है, हाँ जी, व्यूअर्स सिस्टम प्रोग्राम शुरू हो जाता है जी, लोग क्या कहते हैं जी। अच्छा, मुझे बताएं कि लोग कहते हैं कि ना आप पे ना काफ़ी तजुर्बात किए हुए हैं साइंसदानों ने, मगर सारे के सारे नाकाम हुए हैं, बात ठीक है? नहीं, गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनाब जो असल होता है वो असल असल ही होता है, उसमें जब आप तजर्बा करेंगे तो वो नाकाम ही होगा। तो कौन कौन 24 कैरेट जो होता है वो 24 कैरेट ही होता है, अब अगर आप लोहे को सोना बनाएंगे तो फिर वो तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे सोते हैं आप? मैं जहाँ मुझे जहाँ मैं थक जाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं सोते कहीं और उठते कहीं और से, वो क्या? वो फिर अगले दिन जेल में होते हैं। ये भी है, ये भी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ना आपके ना घर में एक दफ़ा आग लगी थी इसलिए आपका रंग ऐसे हो गया। हाँ, लगी थी आग, लेकिन ज़िंदगी अब बच गई, ये बड़ी बात है, इससे रंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे नहीं वो जो होता है वो धुएँ से मुँह काला हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, वो चाहे हो भी जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी बच गई, ये बड़ी बात। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप ना वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते इसलिए आपका कद छोटा हो गया। वेट मेरे तो डिग गया सी। अच्छा, ऊपर ही गिरा था डायरेक्ट? नहीं भाई, मैंने कभी वेट लिफ्टिंग नहीं की। कुछ लोग कहते हैं आप अंदर ही अंदर से ना बहुत ठरकी हैं, बात ठीक है? अंडरग्राउंड ठरकी है। हाँ, अब जैसे असल में लाहौर में जैसे अंडरपास बहुत हो गया, तो इसलिए हर काम अंडरग्राउंड ही हो जाना चाहिए तो अच्छा। बाहर बैरूनी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, अंडरग्राउंड नज़र नहीं आती। एग्जैक्टली, जब तक बंदे की लीक ना हो बंदा शरीफ है। ये वही फंसा हुआ, लीक लीक लीक। ठीक है सर। हाँ, यानी तुसी मेरे तो ईट रख दो, कोई बंदा जब टूटी लीक हो रही होती ना उदो तो ईट रख देते ना, मेरे उत्ते ईट रख दो ताकि लीक ना करा। आजकल तो सियासतदानों की भी लीक हो रही है, लोग उन्हें शरीफ समझते, पहले टिकटॉकर्स की होती थी, अब उनकी भी होती है, तो लोगों को नहीं पता होता ना, क्या पता क्या हो रहा है, क्या पता आपकी भी कल को लीक हो जाए। तो आप पहले बता देना कि आप ऐसे नहीं हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं लगवा लेता हूँ, एडवांस ही पेंचर लगवा लेता हूँ। तो यानी जब लीक होगी तब पता लगेगा लोग। तो यह हो जाता। अच्छा, एक सीरियस सवाल, ठीक है, आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो एक बड़ा अनोखा टॉपिक है, हर बंदा उनके बारे में कुछ ना कुछ कहता है, कोई नेगेटिव करता है कोई पॉजिटिव करता है, आपको उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो कासिम, बात यह है कि मैंने उनके साथ अभी तक काम नहीं किया, लेकिन जिस तरह सुनने में आया है, हर इंसान का एक अपना मिजाज है, हर आदमी का काम लेने का एक अपना तरीक़ेकार है। जब मैं आपके साथ आऊँगा, आपका अपना तरीक़ेकार है काम लेने का, इंटरव्यू लेने का, उनका अपना तरीक़ेकार है। मैं सुहेल अहमद साहब के साथ जब काम करता हूँ तो उनका अपना तरीक़ेकार है, मुझे उस तरह उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, उन्हीं के रंग में ढलना पड़ता है। जब आफ्ताब साहब है, वो जाहिर सी बात है उनका तरीक़ेकार अपना है, वो चाहते हैं कि मेरे काम में इंटरफेयर कोई और ना करे, और मैं उसमें कोई बंदा ये ना कहे जी मुझे जल्दी है, ये वो अपने तसल्ली से काम करना चाहते हैं, वो ठीक है, उनका एक अपना मिजाज है, और लोग जो उनको जो अच्छे लगते हैं वो उनके साथ वो हैं भी लोग। मैंने सुना आफ्ताब इकबाल साहब आपको भी नहीं पसंद करते, इसलिए आपको उन्होंने काम कभी ऑफ़र नहीं किया? नहीं नहीं, मैं काम की मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूँ, और ये मैं सलूट पेश करता हूँ सुहेल अहमद साहब को कि मैंने थिएटर भी सारी ज़िंदगी उनके साथ ही किया, और आज जो एक प्रोग्राम जो 14 साल से चल रहा है वो भी मैं उन्हीं के साथ ही कर रहा हूँ। आफ्ताब साहब ये कहते हैं जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं इस टाइम दुनिया पे, ठीक है, वो आफ्ताब साहब ने ही बनाया था? स्टार्ट उन्हीं से हुआ था, किया था, लेकिन बस उनका एक अपना मिजाज है, वो इस तरह तो उन्होंने हर चैनल पे भी काम किया है, कभी वे एक्सप्रेस पे, कभी जियो पर, कभी कहाँ कभी किधर, इवन उन्होंने अपना चैनल भी बनाया, तो लेकिन बस उनकी अपनी एक सोच है, सोच पर किसी का पहरा तो नहीं ना,
इंसान है, जैसे अब मैं तुम सवाल जो तुम कर रहे हो मैं तुम्हें ढक तो नहीं सकता ना। हाँ सही है, मैं चाहता अब उनके खिलाफ वो बातें कर लें ताकि ना वायरल हो जाए ना चीज। नहीं देखो जी, इंसान है ये, छोटी सी दुनिया है। मैं जब एक आदमी को मैं मिला ही नहीं, किसी को उसने करीब रहा ही नहीं, तो मैं कैसे उसके बारे में पिटिशन कर सकता हूँ, कोई किसके बारे में कैसे बात कर सकता हूँ। ये भी है, ये तो आपके चैनल वाले भी नहीं कुछ उनके बारे में बताते हैं। चैनल वाले क्यों, वो अपना काम कर। देखो जी मुकाबला तो सर काम से, मज़े की बात तो है कि हराया जाए तो काम से हराया जाए, बातों से नहीं होता। काम लोग जो देखने वाले हैं वो कोई बेवकूफ़ या पागल नहीं है, फैसला वही करते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। अच्छा बड़ा एक ना इम्पॉर्टेंट है सवाल यार, अभी भी रह गए इतनी देर हो गई है भैया, अभी मेरा दिमाग ये कि दिमाग खाली हो गया भाई। ज़रूरी है ना वो सवाल। अच्छा भाई अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान में ना नहरें कितनी हैं? बहुत सारी हैं। पाकिस्तान में नाले कितने? नाले नाले भी बहुत हैं भाई। पाकिस्तान में टूटियाँ कितनी हैं? बेपनाह। तो फिर आप नहाते क्यों नहीं है? और बस बंद करो इंटरव्यू, मजाक बना लिया तुमने, इतना ही होता है बस इंटरव्यू यार। नाले कितने हैं, दरिया कितने हैं, वो कितने हैं, नहाते क्यों नहीं है, या मैं बगैर नहा के आए हो यार? बंद कर इंटरव्यू आज के बाद, मुझे ना बुला ले मैं तुम्हें बता दूं। मजाक बना लिया यार तुमने, जो इतना ही होता है वो, आप बिल्कुल ही एंड एंड करके रख दिया यार, वो वाला शो वो वाला शो, मैं तो कर करके बातें ना अक गया हूँ यार, वो वाला शो बस ठीक है यार आज के बाद मुझे ना बुलाना। मैं ठीक है यार, ओके ओके बस भाई मेरे शो नहीं खत्म, ठीक है यार।